बस्ती में समाजवादी पार्टी नेताओं ने न्याय मार्ग से कमिश्नर कार्यालय तक विरोध जुलूस निकाला। सपाइयों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पार्टी नेताओं ने कमिश्नर अखिलेश सिंह को ज्ञापन सौंपा। बस्ती जिले में बारिश ना होने से सूखा घोषित करने भी रखी मांग। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कल रहे थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से के नारे लगाए। BDA, विजिलेंस जैसे अन्य विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार को आड़े हाथ लिया। गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर भी सरकार के सामने बात रखी। आज हम लोगों ने 13 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से कमिश्नर साहब को सौंपा, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि बस्ती में बारिश नहीं हो रहा, लगभग एक महीने से एक बूंद बारिश नहीं हुआ, बस्ती को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और जो देहात क्षेत्र है वहाँ बिजली की सप्लाई और बढ़ाई जाए जिससे किसानों को सिंचाई में असुविधा न हो। जो थानों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसमें गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है, गरीब जा रहा है तो उसको दोनों पक्ष से ले दे करके 151 में निपटा दिया जा रहा है। और 151 का आलम यह है कि तहसील में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। पहले था 151 में लोगों की जमानत हो जाती थी, अब 151 में एक दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है और दूसरे दिन उससे पैसे की डिमांड की जाती है। अगर वो पैसा देता है तो उसकी जमानत होती है, नहीं पैसा देता है तो उसको 3 दिन 4 दिन गरीब को रहना पड़ता है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।